टुडे इज 26th ऑफ जनवरी रिपब्लिक डे। हम लोग आज ओला इलेक्ट्रिक का एक इवेंट अटेंड करके आए हैं एंड ये बहुत ही अच्छा गया। और इस इवेंट में हमें बहुत सारे दोस्त मिले और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी मिला, तो इस वीडियो में वही सब इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। तो बाकी सब वीडियो की तरह ये वीडियो भी बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाले हैं, सो लास्ट तक बने रहेंगे इस वीडियो के साथ। यस, बट बिफोर दैट प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड उसके साथ साथ बेल आइकन भी जरूर दबाना ताकि आपके पास सभी नोटिफिकेशन आते रहे। सो लेट्स स्टार्ट। सो वी आर गोइंग टू वॉर मेमोरियल। Yes, so let's go. वार मेमोरियल के सामने कुछ फोटोज लेने के बाद हम लोग अभी कोड़ेगांव पार्क जा रहे हैं। लगभग 3-4 किलोमीटर चलने के बाद हम लोग अभी द सैसी स्पून रेस्टोरेंट में पहुंच गए हैं। Yes, Shantika. Yes. How are you feeling? Good. Thank you for taking our time and coming this morning. So this is our first event with you guys. Thank you for your coordination and we'll have more such events like this. And a very happy Republic Day. Your breakfast will be served inside. I request you to please be comfortable. Thank you. Thank you. Thank you. तो हमारा ब्रेकफास्ट है अभी, तो अभी हम यहाँ पे जो ओला की तरफ से ही है, ओला की तरफ से है, बुफे सिस्टम है। यस यस। So we are our Ola family is feasting at Sassy Spoon. It's very nice. We are enjoying. Thank you. Okay. So how was your experience with Ola? It's amazing. I'm enjoying, and as being a college student, we travel a lot. We go, we explore. So it's a very great companion, you know, for riding. Okay. And enjoying. What about you? It's been an amazing experience with Ola. Like since day one, we have been its fan, and you know, the overall experience is amazing. And thanks to Ola today for organizing such an event and such a beautiful breakfast. So overall, it's been a great Republic Day today. Yes. आज बहुत ही अच्छा एक सुबह था, अच्छा 26 जनवरी का, और यहाँ पे कोड़ेगांव पार्क में एक राउंड मार के फिर इस रेस्टोरेंट में आए एंड फूड वाज ऑसम, सो इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। सो मेनी फ्रेंड्स।
आप देख सकते हैं ओला का सर्विस व्हीकल आ गया है वैन। हाँ, तो यही है सर्विस व्हीकल जो दूसरे वीडियोस में आपने देखे होंगे, हमने भी वीडियोस में ही देखे हैं। तो अभी अभी आमने सामने देखे हैं। हाँ। चलिए अंदर देखते हैं क्या है। हाँ। Now we are inside this van. और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो जगह है यहाँ पे आपका स्कूटर को रख के वो लोग टेक्नीशियन इसको ठीक करेंगे जो भी प्रॉब्लम है वो। एंड यहाँ पे हम लोग और दो से देख रहे हैं, यहाँ पे शायद टेक्नीशियंस बैठ के आएंगे एंड और यहाँ पे सम टूल्स रखने की सब कवर्स भी है यहाँ पे। हाँ, तो यहाँ पे एक क्लैंप टाइप का है जो कि टेक्नीशियंस विल यूज, और ये कवर्ड है, यहाँ पे शायद टूल्स हैं, और ये एक टेबल टाइप का है यहाँ पे, और बाकी ये इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का चीज है ये। सीसीटीवी लगा हुआ और एक एग्जॉस्ट भी है, सीसीटीवी भी लगा हुआ है। तो यही है ओवरऑल, एंड दो फैंस भी लगा हुआ है। दो फैंस भी लगा हुआ है। तो ये है ओवरऑल पूरा चीज, और यहाँ पे जैसे कि शांतिका बताए यहाँ पे टेक्नीशियंस बैठ के स्कूटर को देख सकते हैं या फिर कोई प्रॉब्लम होगा तो फिक्स कर सकते हैं। ये है सॉकर टेबल। ये है सॉकर टेबल, यस। तो ये है सर्विस वैन की अंदर का सीन। यही वो जगह है जहाँ पे आपका स्कूटर रख के ऑपरेशन किया जाएगा अगर उसका कुछ प्रॉब्लम आता है तो। और ये जो है इसको निकाल के ऐसे रखा जाएगा यहाँ पे, और आपके स्कूटर को अंदर लेके जाया जाएगा। एंड ये है रैंप। हम लोग अभी घर जा रहे हैं। हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने हमें ये पूछा है कि 21st of January फाइनल पेमेंट के टाइम वो EMI ऑप्शन ऑन नहीं हो रहा था, तो हमने वही पूछा ओला एग्जीक्यूटिव से कि ये क्यों हो रहा था। तो उन्होंने बताया कि IDFC HDFC बैंक का ही सॉफ्टवेयर अभी तक ओला इलेक्ट्रिक के साथ लिंक्ड है, एंड टाटा कैपिटल का भी सॉफ्टवेयर लिंक्ड है। तो आप लोग सिर्फ इन तीनों ही ऑप्शन चूज करके EMI के लिए अप्लाई कर सकते हैं।